हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो होने वाली है कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे। सो एज यू ऑल नो, कोरियन प्रोडक्ट्स ब्यूटी के लाइक बेस्ट होते हैं स्किन केयर के लिए, क्योंकि कोरियन की अगर आप स्किन देखो, स्पॉटलेस स्किन होती है, ग्लोई और लाइक बिल्कुल क्लियर स्किन होती है उनकी। तो सब लोग चाहते हैं कि हमारी वैसी ही स्किन हो। बहुत से हम स्किन केयर ट्राई करते हैं, बहुत कुछ ट्राई करते हैं, स्टिल जो है हमारी स्किन इतनी ग्लोई और उनकी तरह क्लियर नहीं हो पाती है। तो मैंने कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, वो है प्लांट 36.5 ब्रांड की तरफ से। ये जो ब्रांड है आपको korikat.com पे मिल जाएगा, वेबसाइट है ये korikat। इसमें आपको कोरियन के सारे जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं वो मोस्टली मिल जाएंगे। एंड आप ये मत सोचना कि कोरियन प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव है या ऐसा है, बिल्कुल वर्थ ट्राइंग है, वर्थ बाइंग है ये प्रोडक्ट्स। नहीं है, अफोर्डेबल साइड में ही आपको जो है ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। बाकी जो इनके प्राइसिंग और वेबसाइट के लिंक, प्रोडक्ट लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। और अब हम स्टार्ट करते हैं इन प्रोडक्ट्स के रिव्यू के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मुझे क्या क्या रिसीव हुआ है। सबसे फर्स्ट है ये प्लांट 36.5 की तरफ से बॉडी स्क्रब। नेक्स्ट है इसके अंदर ये प्लांट 36.5 की तरफ से प्लांट सेल चारकोल O2 बबल मास्क। तो ये एक मास्क है जो कि बबल हो जाता है, जैसे कि आपने बहुत देखा होगा इंस्टाग्राम पे, बहुत ज़्यादा फेमस है ये, तो वो है। एंड देन है ये कुछ शीट मास्क, ये है प्लांट 36.5 की तरफ से ही है, 5 शीट मास्क है। इन सारे के सारे शीट मास्क जो है ये बहुत अच्छे लगे मुझे स्किन के लिए। देन एक और है ये स्क्रबर है, बॉडी स्क्रबर। सबसे पहले तो मैं इनकी बात करूँगी, मैंने ऑलरेडी ये शीट मास्क ट्राई किए हुए हैं। ये मुझे एक ये जो शीट मास्क थे मुझे एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में रिसीव हुए थे, तो उसमें मैंने कुकुम्बर वाला ट्राई किया हुआ है। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है, आई थिंक फेब्रवरी के टाइम पे मुझे वो बॉक्स रिसीव हुआ था, तो उसमें मैंने ट्राई किया है। एंड अमेजिंग रिजल्ट होता है, बहुत ही स्मूथ बना देता है आपकी स्किन को इसका जो सीरम होता है, और बहुत ही ग्लोई बना देता है। तो मुझे काफ़ी पसंद आए थे शीट मास्क। इसमें भी सब कुछ कोरियन में लिखा हुआ है, बट मेरे पास है एक ये पर्ल का, देन एलोवेरा, ये सबके सब स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है ये ग्रीन टी का, देन कोलाजन एंड टोमेटो, देन लास्ट है कुकुम्बर। तो कुकुम्बर वाला मैंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है पहले, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और ये जो है इसमें सब कुछ कोरियन में लिखा हुआ है, तो हेयर आई कैन सी 100 rupees है इस शीट मास्क का प्राइस, बट आपको ये 80 अराउंड समथिंग में मिल जाएगा। और इसमें डायरेक्शन वही है, क्लीन फेस पे आपको अप्लाई करना है, 10 से 20 मिनट्स रखना है, और धीरे से हटा के अपने फेस को मसाज करो और अच्छे से टैप टैप करो और वॉश करो। देन ये है एक प्लांट 36.5 का प्लांट सेल रिलैक्सिंग बॉडी स्क्रब। तो इसमें लिखा है प्रीमियम टोटल बॉडी केयर वॉलनट शेल पाउडर, ग्रीन टी फ्रेग्रेंस, ब्राइटन एंड इलास्टिक एंड सॉफ्ट स्किन। सो ये प्रीमियम बॉडी केयर वॉलनट शेल पाउडर से बना हुआ है, एंड ग्रीन टी की तरह इसकी फ्रेश फ्रेग्रेंस आती है इसमें से। और मैंने इसको 2 बार ट्राई किया हुआ है, लाइक मुझे आई थिंक 1 week पहले ही रिसीव हुआ है, तो मैं इसको सिर्फ 2 ही बार ट्राई कर चुकी हूँ। बट इसका फर्स्ट यूज़ में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे, स्किन बहुत स्मूथ हो गई थी। एंड आपको मैं कुछ यूजेज भी बताऊँगी कि बॉडी स्क्रब के क्या क्या यूजेज होते हैं, मतलब किस चीज़ में हेल्प करता है। देन डायरेक्शन इसमें सिर्फ वही है, आपको आपकी स्किन को हल्का सा वेट करना है पानी से और फिर स्क्रबिंग स्टार्ट कर देनी है। नेक्स्ट ये वॉलनट शेल से बना है, और बाकी इसमें सब कुछ कोरियन लिखा है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाकी इसमें डायरेक्शन वगैरह इंग्लिश में ही लिखी हुई है। इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत नेचुरल हैं, शेल पाउडर है, वाटर है, हाइलुरोनिक एसिड इसके अंदर डाला हुआ है, ग्लिसरीन है, हनी एक्सट्रैक्ट्स हैं, ऑयल्स है, फ्रूट ऑयल, एंड देन बहुत सारे ऑयल्स सब कुछ इसमें एडेड है, जो कि आपकी स्किन को सूद एंड आउट करने में हेल्प करता है। सो कुछ इस टाइप की इसकी बॉडी है, बहुत ही क्लासी पैकेजिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगी इसके जो लाइक पैकेजिंग। एंड वॉलनट से ये बना हुआ है, तो ऑब्वियसली है आपके जो स्किन है उसको स्मूद एंड आउट करने में हेल्प करेगा। सो बॉडी स्क्रब जो है वो हेल्प करता है आपके ड्राई स्किन सेल्स को, जो होते हैं जो ड्राइनेस होती है आपकी स्किन पे, जो छोटे से ड्राई स्किन होती है उसको रिमूव करता है। देन जो आपकी स्किन पे टैनिंग होती है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप वैक्सिंग या शेविंग खुद से घर में करते हो, अपने अंडर आर्म्स की, अपने हैंड्स की, लेग्स की, तो शेविंग या वैक्सिंग करने से पहले या वीट करने से पहले हमेशा स्क्रबिंग कर लेनी चाहिए। इससे आपकी स्किन स्मूद एंड आउट हो जाती है, और जो आपके हेयर है वो डीपली अच्छे से निकल पाते हैं, लाइक लूज हो जाते हैं आपके जो हेयर होते हैं, तो वो बहुत ईजिली निकल जाते हैं। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है बॉडी स्क्रबिंग। एंड बॉडी स्क्रबिंग आपको वीक में 1 से 2 टाइम कर लेनी चाहिए, रेगुलर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप अपने स्किन को ख़राब करोगे। और स्क्रबिंग जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट से 2 मिनट्स आप कर सकते हो अपने बॉडी पे,
फेस पे 30 से 40 सेकेंड्स, बट बॉडी के लिए 1 से 2 मिनट आप अपने नेक पे लाइक फुल बॉडी में आप इस स्क्रब को यूज़ कर सकते हो। सो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले इसके। नेक्स्ट है ये प्लांट 36.5 का O2 बबल मास्क। प्लांट सेल से बना हुआ ये चारकोल मास्क, सॉफ्ट बबल्स होते हैं, ऐसा नहीं है बड़े बड़े बबल्स, बहुत ही सॉफ्ट स्मॉल स्मॉल से बबल्स होते हैं। और इसको मैंने जस्ट मुझे जब रिसीव हुआ था तब के तभी यूज़ किया था मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने, और दोनों की स्किन एकदम फ्रेश लग रही थी। लाइक इवनिंग का टाइम था तो थके हुए थे हम लोग, तो वो भी ऑफिस से आया था तो उसने भी ट्राई किया, तो उसकी स्किन एक तो वो वैसे ही बहुत गोरा है, बट उसकी स्किन एकदम ग्लो कर रही थी, बहुत ब्राइटन अप हो गई थी एंड फ्रेशनेस लग रही थी उसकी स्किन पे, जिसकी स्किन थी। तो वन यूज़ में इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया था। इंस्टेंट रिजल्ट बहुत लोग बोलते हैं नहीं मिलता है, बट ऐसा नहीं है, बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को 5 से 10 मिनट अपनी स्किन पर रखा है तो ऑब्वियसली बात है वो इंस्टेंट रिजल्ट दे सकता है आपको। सब प्रोडक्ट्स की बात नहीं करूँगी, बट कुछ देते हैं इंस्टेंट रिजल्ट। तो ये जो है इस टाइप की पैकेजिंग में आता है, चारकोल बेस्ड है ये जो मास्क है, एंड इनके जितने प्रोडक्ट्स हैं ये प्लांट से बने हुए हैं, प्लांट सेल्स से बने हुए हैं। सो इसमें भी सब कुछ लिखा हुआ है कोरियन लैंग्वेज में, बट इंग्रेडिएंट्स जो है वो इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं। फिर टी ट्री डला हुआ है, ब्लैकबेरी, सेसमे सीड्स डले हुए हैं, पर्ल एक्सट्रैक्ट्स है एंड ग्लूथमेट समथिंग है, तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें एडेड हैं, बीटा डाइन समथिंग कुछ करके। तो ये इसकी पैकेजिंग है एंड पंप फॉर्म में ही आता है। सो आई होप आपको मेरा मिनी सा हॉल पसंद आया होगा, कोरियन का मिनी हॉल कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स का। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।